अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ईट विद टेस्टी बाइट। तो हाजिर हूँ व्यूवर्स फिर से आपके सामने आज की रेसिपी लेके। आज की रेसिपी है एग भुर्जी की। तो चलिए जी बना लेते हैं इस मज़ेदार सी भुर्जी को। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उस पर मैं करीब 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल है ये, आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, इवन घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन को बारीक चॉप कर लिया था, आपको बहुत ही बारीक सा चॉप करना है इसको। और हाँ प्लीज़, मेरा गला बहुत ख़राब है तो प्लीज़ आवाज़ को जज मत करिएगा कि कैसी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे अनियन को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ट्रांसलूसेंट सा नहीं हो जाता है, ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है आपने, बस ट्रांसलूसेंट करना है, हल्का सा पकाना है। जैसे अनियन ये पूरी अलग हो गई है, एक एक रेशा अलग हो गया है, ऐसे ही अलग कर लेना है इस स्टेज तक पका के। और फिर इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ के टोमेटो को फाइन बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका सारा जो वाटर है जो हमें पैन में भी दिख रहा है वो पूरी तरह से रिड्यूस करेंगे। ऐसे बराबर चलाते रहेंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, करीब 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ग्रीन कैप्सिकम ऐड करा है चॉप करके। तो ये आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो नहीं ऐड करें, बस मैंने क्रंच और कलर के लिए ऐड करा है कि एक भुर्जी में एक अच्छा सा क्रंच आ जाएगा इसकी वजह से, और थोड़ा सा कलर भी ऐड हो जाएगा। अब ये मैंने एक हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें आपकी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। गैस के फ्लेम को लो नहीं रखना, आपने मीडियम हाई पे रखना है, फुल हाई नहीं करना लेकिन मीडियम हाई पे रखना है, जिससे इसका क्रंच बना रहे, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगी। यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपको ब्रेकफास्ट में या साइड डिश में कुछ समझ में नहीं आता है, तब ये बना लें। यहाँ पे मैंने 2 एग लिए हैं और इनको ऐसे ही मैंने बस तोड़ के एक बाउल में कर लिया था और फिर सीधे पैन में डाल दिया है। और गैस के फ्लेम को अब लो कर देंगे और लो फ्लेम में ऐसे एग को ऐसे फिरते जाएंगे, ऐसे चलाते रहेंगे चम्मच, एग को क्रम्बल करते जाना है आपने। ये देखिए एग पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है लेकिन अभी भी कच्चा है, तो लो फ्लेम में ही आपने पकाना है। हाई फ्लेम में ये बर्न हो जाएगा और पकेगा नहीं, जो आपको बाद में नुकसान भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं भुना जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। सारे मसालों को इसमें मिला लेंगे, साथ साथ क्रम्बल भी करते जाएंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे एग के उनको साथ साथ क्रम्बल करते जाएंगे। लो फ्लेम में इसको भूनते जाएंगे, बराबर पकाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट में ही पूरी तरह से पक जाएगा लो फ्लेम में, हाई फ्लेम में थोड़ा जल्दी पक जाएगा लेकिन आपको लो फ्लेम में पकाना है जैसे ये पूरी तरह से पक जाए। अब यहाँ पे मैं करीब इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। ये भी डालना टोटली ऑप्शनल है लेकिन एग के साथ देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने उसको डाला है। बस एग के साथ इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और बराबर स्पून को चलाते रहेंगे। यहाँ पे देखिए एग गोल्डन होना शुरू हो चुका है, तो बस आपको इस स्टेज तक इसको पकाना है, लो फ्लेम में ही पकाना है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ क्योंकि जिससे आपकी एग की भुर्जी बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो। और अब हमारी भुर्जी बनके रेडी हो गई है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है, तो मैंने इस पर 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया पत्ती चॉप करके ऐड कर दी है। तो अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। मैंने क्योंकि इसको ब्रेकफास्ट में बनाया था तो मैं इसको ब्रेड के साथ इंजॉय करूँगी। अगर आप लंच या डिनर में एज अ साइड डिश बना रहे हैं तो आप पूरी पराठे रोटी किसी भी चीज़ के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है व्यूवर्स, ये है मेरी छोटी सी रेसिपी आज का एफर्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जी अगली रेसिपी के साथ।